वहीं चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आरपीएन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 सालों तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, पूरे लगन से मैंने काम किया, लेकिन वो पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जिसमें मैंने काम किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए, कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को धर्म राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा पर अंत में यही कह सकता हूं, प्रधान जी देर आए दुरुस्त आए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं आरपीएन सिंह कौन है। इनका पूरा नाम कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह है। 1980 इंदिरा सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बने थे आरपीएन सिंह। 1996 में पडरौना से पहली बार विधायक चुने गए, तो वहीं पडरौना के राजा साहेब के नाम से भी आरपीएन सिंह जाने जाते हैं। कांग्रेस सरकार में 3 बार विधायक बने, राज्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री रह चुके हैं आरपीएन सिंह पूर्व में। गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं आरपीएन सिंह। 1996, 2002, 2007 में 3 बार विधायक चुने गए। 2009 तक विधायक रह चुके हैं आरपीएन सिंह। 1997 से 1999 तक उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। 2003 से 2006 तक एआईसीसी के सचिव रहे। 2009 में पडरौना से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। सड़क परिवहन राजमार्ग केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं आरपीएन सिंह। 2009 से 2011 तक केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर रहे। 2011 से 2013 तक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे आरपीएन सिंह।
2013 से 2014 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे।